मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मीठा खाने का मन कर रहा है, और वो भी गाजर का हलवा। लेकिन टाइम की कमी है, झटपट फटाफट बनाना है, इसलिए मैंने गाजर यहाँ पर 1 किलो ली है। और मैं इसे दूध के साथ नहीं, मावे के साथ बना रही हूँ, तो ये फटाफट बन जाएगा। सो चलिए फटाफट से इस 1 किलो गाजर को अभी हम कद्दूकस कर लेते हैं। 1 किलो गाजर को यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर 1 बड़ी टेबल स्पून से घी ले रही हूँ, और ये मैं डाल रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। मैंने बड़ा प्रेशर कुकर लिया है, इसे मैंने घी डाला है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये गाजर। तो ये गाजर मैंने डाल दिए प्रेशर कुकर के अंदर, नीचे घी डाला है। और अब इसकी हम ले लेंगे 1 सीटी। यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये तकरीबन 400 ग्राम के आसपास मावा है। इसको मैं यहाँ पर कर लेती हूँ थोड़ा सा गरम। सीटी आ चुकी है और मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया। और ये देखिए, मावे को अच्छे से सेक लिया है हमने, और मावा अब ऐसे सॉफ्ट हो गया है क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था। और अब गर्म होने के बाद खूब अच्छा फ्रेश मावा है, और घी भी छोड़ा है मावे में। सो ये अच्छे से बिल्कुल गर्म हो चुका है, सेक लिया है इसको। अब हम इसे बंद कर देते हैं गैस को, और अब हम फटाफट से बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए यहाँ पर मैंने जो मीडियम साइज की कटोरी होती है ना, उससे मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैं ले रही हूँ शक्कर। तो यहाँ 250 ग्राम हमारी हो गई है चीनी। अब इसकी बनाते हैं चाशनी। और अब इसकी हम चाशनी बनाने के लिए, जिस कटोरी से मैंने चीनी ली थी ना, उस कटोरी से आधी कटोरी यहाँ पर मैं ले रही हूँ पानी। तो चीनी जो है अच्छे से पिघल गई है, और अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर रहे हैं। और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक इसे हमें चलाना है, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो ये अब 3 से 4 मिनट ऐसे हो गए हैं, और ये देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है। अब हम गैस को कर रहे हैं बंद, और इसमें हम डालेंगे जो प्रेशर कुकर में गाजर हमने 1 सीटी के साथ रेडी की है, अच्छे से पक गई है ये। वाह, ये देखिए, ये हम डालेंगे अपनी चाशनी के अंदर। अच्छा, गाजर को ना प्रेशर कुकर में इस तरह से 1 सीटी देने के बाद, आप गाजर का कलर देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम वो जो लाल कलर की जो गाजर होती है ना, उसका रंग जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आप दूध में इस गाजर के हलवे को बनाते हैं ना, तो बहुत देर तक दूध में उबालने की वजह से गाजर का कलर जो है वो थोड़ा सा ऑरेंजिश हो जाता है, बट यहाँ पर जो गाजर का कलर है वो बिल्कुल लाल गाजर का कलर एकदम रिटेन किया है, बिल्कुल वैसा ही रंग जैसा गाजर का होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि गाजर बहुत सुंदर लग रही है, और यही गाजर का हलवा हलवाई इसी तरह से बनाते हैं, तो इसीलिए वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और टेस्टी भी होता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे तो एकदम सूख जाएगा थोड़ा। तो चाशनी के अंदर हमने गाजर डाल दी है, और तो गाजर का जो जूस था ना, वो भी जो गाजर का पानी था उसको, और चाशनी का जो पानी था उस सबको अच्छे से सुखा लिया है, थोड़ी देर इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब जो गैस है वो मैं बंद कर रही हूँ, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है ना, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मावा। तो मावा जो हमने सेका था उसको अब हम डालेंगे इस गाजर के अंदर। और अब इसको कर लेंगे मिक्स। मेरी नजर ना अभी भी गाजर के लाल रंग पे है, लाल रंग गाजर का और साथ में सफ़ेद रंग का मावा चमकता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है, और मुंह में मेरे पानी आ रहा है। और इनफैक्ट जब आप इसको घर में बनाएंगे ना, तो आपको भी बस मन करेगा कि जल्दी से इसे खा लें। तो ये यहाँ पर गाजर का हलवा बहुत सुंदर लग रहा है। तो अच्छा सा जूसी सा टेस्टी सा गाजर का हलवा बन के रेडी है। इसके ऊपर अच्छे से गार्निशिंग कीजिए ड्राई फ्रूट्स के साथ,
इलायची पाउडर डालना है आप वो भी डाल सकते हैं, पर हमें तो ये ऐसे ही पसंद है। चलिए अब फटाफट से इसको हम बोल में सर्व कर लेते हैं, और सर्व करने के बाद आप इसमें गार्निशिंग कीजिए। जैसे मेरा भी मन कर गया है कि मैं इसमें अब जो काजू हैं उसको चॉप करके डाल रही हूँ, तो ये देखिए और सुंदर लग रहा है दिखने में, बिल्कुल वैसी वाली फील जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, और ये वैसा ही स्वाद में है, उससे ज़्यादा अच्छा है। रेडी हो गया हमारा गाजर का हलवा। कैसी लगी आपको हमारी ये मावे के साथ झटपट फटाफट बनने वाली गाजर के हलवे की रेसिपी? अगर पसंद आई है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। भावना चौधरी के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पेज, प्लीज आप उसे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी रेसिपी को देखने के लिए और पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच।